क्या कर देंगे आप, कई बार इस तरह से क्वेश्चन दे देंगे तुमको कि एक लेंस होगा, ठीक है, और उस लेंस के इस वाले पार्ट को उन्होंने सिल्वर कर दिया, समझ गए ना? अरे पीछे उससे तो वो मिरर बन जाता है, तो अब एक तरह से लेंस प्लस मिरर की कॉम्बिनेशन हो गई है, तो अब इमेज कहाँ बनेगी, समझ में आ रहा है? तो मान लेते हैं जो लेंस है, लेंस का फोकस एफ एल है और मिरर का फोकस क्या है, एफ एम। वो निकाल लोगे ना, इसका आर वन आर टू दिया होगा तो लेंस का फोकस निकल जाएगा, वन बाई एफ एल इक्वल टू मी टू बाई म्यू वन माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, और एफ एम कितना हो जाएगा, आर टू बाई टू, है ना? अरे स्फेरिकल मिरर का, ठीक है, तो एफ एल और एफ एम तुम्हें पता चल जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, इसको हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मिरर में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब इस लेंस प्लस मिरर की कॉम्बिनेशन की जगह अगर मैं सिर्फ एक स्फेरिकल मिरर यूज करूं तो उसका फोकस कितना होना चाहिए, समझ गए? मैं इसको एक मिरर से रिप्लेस करना चाहता हूं तो उस मिरर का फोकस कितना हो, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, करो सॉल्व। मेरे ख्याल से मतलब तुम्हें इसका बताइए, मतलब दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल बिहेव करें, है ना, सेम जगह पे इमेज बनाए, सेम मैग्नीफिकेशन, सब कुछ सेम तरीके से करे, तो इस मिरर की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए। एफ एल और एफ एम तुम्हें गिवन है, कैसे करेंगे? सबसे पहले लाइट रे लेंस से पास होगी तो एक रिफ्रैक्शन होगा, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, फिर वापस जाएगी, फिर रिफ्रैक्शन होगा, तीन इक्वेशन है ना, दो रिफ्रैक्शन और एक रिफ्लेक्शन। अरे क्या करो भाई, ये तुम्हारा बताओ ओरिजिन है, है ना, थिन लेंस है, ऑब्वियसली थिन लेंस से स्टडी कर रहे हैं, तो मान लो यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, यू कॉमा जीरो, पहली इमेज बनाओ ये रिफ्रैक्शन से वी वन पे आ रही है, दूसरी इमेज वी टू पे आ रही है, तीसरी इमेज वी थ्री पे आ रही है, वो तुम्हारी फाइनल इमेज होगी, लिखो इक्वेशन, अपने आप आंसर आते हैं। बताओ भाई लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ। तो मान लेते हैं पहले रिफ्रैक्शन से, पहली बार अगर लेंस से रिफ्रैक्शन अकेला होता है, ये सिल्वर नहीं होता, तो इमेज वी वन पे बनती, तो वन बाई वी वन माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ, कौन सा सिर्फ लेंस के लिए लिख रहे हैं, सी वही फॉर्मूले तो लगाया है, ध्यान रखना थ्रू आउट क्वेश्चन ये ओरिजिन मानी है, ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है, हमेशा अब यही पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगा, इसके पहले वाला हमेशा एक डायरेक्शन मान लो, उस हिसाब से चालू हो जाओ, ठीक है। अच्छा यू को नेगेटिव नहीं लिया कुछ लोग कह रहे होंगे, कोऑर्डिनेट है ना यार, ऑलरेडी कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने उसे, अगर उसको डिस्टेंस मानता तो नेगेटिव लेता, तुम्हें पता है तुमने क्या माना है, बस उस हिसाब से करो फिर, है ना। अगला क्या होगा इसके बाद, एक रिफ्रैक्शन हो गया लेंस से, अब लाइट रे क्या करेगी, मिरर से टकराएगी, तो अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। तो भाई रिफ्लेक्शन करवा देते हैं मिरर से, तो मिरर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टू वन बाई एफ, तो इसके लिए मान लेते हैं मिरर वी टू पे बना रहा है, तो वन बाई वी प्लस वन बाई यू, और यू क्या हो जाएगा इसके लिए, वी वन हो जाएगा, है ना। इसके लिए जो इमेज है रही लेंस के लिए जो इमेज है वो इस मिरर के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये थिन है तो ये पॉइंट सब एक ही है, थिन लेंस है, तो आ रहा है समझ में, वन वाई वी प्लस वन वाई यू, इसकी इमेज मिरर का ऑब्जेक्ट है, कौन सा एफ, देखो अब क्या होगा उसके बाद, सेकंड रिफ्रैक्शन करा देते हैं, अब रे वापस भी तो आएगी, सेकंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, ये तुम्हारा फाइनल है, से फाइनल इमेज बता वी पे बन रही है, तो वन वाई वी माइनस वन वाई यू, अब सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए रे ऐसे गई मिरर से टकराई, अब वापस आ रही है ना, अब मिरर का जो इस मिरर की जो इमेज थी
वो सेकेंड टाइम जब लेंस से आ रही है उसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, तो यू की जगह क्या लिखेंगे, वन वाई वी माइनस वन वाई यू इक्वल टू वन वाई। मुझे पता है वी वन वी टू को काटना है तो क्या करें बताओ, इक्वेशन के साथ क्या करें बताओ, इन दोनों को ऐड कर दें, सबको ऐड कर दें मेरे ख्याल से ना, सबको ऐड कर दो, वन प्लस टू प्लस थ्री क्या आ रहा है बताओ जल्दी से, वन वाई वी माइनस वन वाई ए आ रहा है, देखो इन दोनों को ऐड कर रहा तो नहीं ये नहीं कट रहा, नहीं नहीं सबको ऐड नहीं कर सकते, माइनस फर्स्ट वाले को माइनस कर देना, माइनस फर्स्ट प्लस टू प्लस थ्री ठीक है, इससे कट रहा है ना, तो इसको माइनस करेंगे, माइनस वी वन ये चला गया और ये प्लस वन वाई यू आ गया, इधर से वन वाई वी आया और ये दोनों गए, तो वन वाई यू इक्वल टू, तो इमेज फोकस कहाँ होगा समझ रहे हो, अरे अभी जब गई थी तो ऐसे गई थी, फिर मिरर से टकराई और वापस तो इस तरह से आ रही है ना, जब वो वापस इस तरह से आ रही है तो इमेज फोकस तो तुम्हारा यहाँ पे होगा ना लेफ्ट हैंड साइड, समझ रहे हो, और कोऑर्डिनेट सिस्टम तो तुमने एक बार जो चूज कर लिया हमेशा उसको फॉलो करेंगे, ये ओरिजिन है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो जो फोकस यहाँ पे होगा उसको एफ एल लेंगे या माइनस एफ एल लेंगे, माइनस ये गलती कर दी थी, देखो एक बार क्लियर है यानी क्लियर है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा ना साइंस का, क्योंकि जब वापस आ रही है तो ये फोकस है ही नहीं उसके लिए, उसके लिए तो ये फोकस है इधर वाला लेंस के लिए, तो चलो तो कितना हो गया तुम्हारा माइनस एफ एल और माइनस थ्री है ना, तो याद रहेगा तुम्हारा माइनस टू बाई एफ एल प्लस वन वाई एफ एम, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, इसी को तुम क्या बोल सकते हो, अगर इस लेंस के लिए इक्वेशन लिखते तो क्या आती, इस मिरर के लिए लिखते मान लो वन वाई वी प्लस वन वाई मिरर है ना, तो वन वाई वी प्लस वन वाई यू आता इक्वल टू वन वाई एफ इक्विवेलेंट, इन दोनों को कंपेयर करो एफ इक्विवेलेंट कितना आ गया, वन वाई एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू माइनस टू बाई एफ एल प्लस वन बाय एफ एम, इसको सीधा याद रखना है ना सिल्वरिंग, जब भी किसी लेंस को सिल्वर कर दिया जाएगा तो हम उसको मिरर में कन्वर्ट कर देंगे और उस मिरर का फोकस कितना होगा, ये ऐसा तो कुछ नहीं है कि सर एफ एल तो कोऑर्डिनेट था इस बार आप नेगेटिव लेने लगे अभी तक तो, अरे एफ एल होगी तो कोई एक चीज़ ना, अगर एफ एल फाइव है, अगर एफ एल फाइव है तो ये वाला पॉइंट बता रहा है, तो माइनस एफ एल बताएगा ना इस पॉइंट को, उसको वैल्यू तो तुम कोई एक ही दोगे जो भी है वो, ऑब्जेक्टिव इन्फिनिटी पे रख के बिल्कुल आएगा यही, पर वो एक जो तुम वो प्रूफ करोगे, नहीं वो भी सही क्योंकि अल्ट तुम निकाल तो फोकस ही रहे हो, सही है वो भी सही होगा बिल्कुल, निकालना तो फोकस ही है बिल्कुल यही आएगा, पर ये बिल्कुल जनरल प्रूफ हो गया ना, हमने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख के निकाल दिया, सही वो भी है, अब देखो इसमें गलती क्या कर सकते हो, लिख लिया है क्या ये, हाँ मैं क्या बोल, देखो तो ये वाला फॉर्मूला तो तुम्हें याद रखना है ना, तुमने याद रख लिया, अब तुमने वन बाई एफ इक्विवेलेंट ही निकाल लिया, तो ये ध्यान रखना ये इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ है तुमने उसको कन्वर्ट किस में करा है अल्टीमेटली, ये भी ध्यान रखना जरूरी है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, तुमने इसको लेंस में कन्वर्ट नहीं करा है मिरर में, क्योंकि उससे बहुत फर्क आ जाएगा, अगर लेंस में कन्वर्ट करा होगा तो फाइनल फॉर्मूला क्या लगता, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ, तो यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला क्या लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मतलब हमने मिरर में कन्वर्ट करा है, ये भी ध्यान रखना है ना, तो दिस इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ये मेंशन कर देना, ऑब्वियसली हम इसे मिरर में ही कन्वर्ट करेंगे, इधर कहीं तो इमेज आ नहीं सकती, अब सिल्वर कर दिया है तो टकरा के वापस ही जाएगी, तो लेंस में तो कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे इसको, मिरर में ही कन्वर्ट करना होगा, दिस इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ मिरर, लिखो ये क्वेश्चन लिख लो, ए थिन कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, ए थिन कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस हैविंग रेडियाई 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, ए थिन कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस having radii 20 centimeter and 40 centimeter and a refractive index 3 by 2 and a refractive index 3 by 2 is silvered
इज ए सिल्वर्ड एट द साइड हैविंग लार्जर रेडियस, इज ए सिल्वर्ड एट द साइड हैविंग लार्जर रेडियस। चलो जाओ फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। याद रखना लेंस सही बनाना, कॉनवेक्स तो कौन की बोला है ना, तो कौन सी साइड लार्जर रेडियस वाली होगी, कॉनवेक्स वाली। ये ध्यान रखना जरूरी है ना, अगर यही नहीं पता कर पाए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, गलत आंसर आ जाएगा। चलो मैं बना देता हूं फिगर, है ना, कॉनवेक्स और कॉनकेव ऐसा हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, और लार्जर रेडियस वाले को सिल्वर कर दिया। तो ये है तुम्हारा सिनेरियो, 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, म्यू इज 3/2। ठीक, इसको ऐसा रख दो, देखने में तुम्हें अच्छा लगेगा, ऐसा रख देते हैं इसको, ये 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, आर टू इज 40 सेंटीमीटर, म्यू इज 3/2। करो सॉल्व, कितने लोगों ने सही बनाया था लेंस? सबसे पहले किसका भाई फॉर्मूला क्या है हमारा पास, 1/f equivalent इक्वल टू -2/fl प्लस 1/fm। तो हमें पहले लेंस का चाहिए फिर मिरर का चाहिए, तो लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, μ2/μ1 3/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। आर वन पॉजिटिव है या नेगेटिव है बताओ, है ना, -20 -1/r2, r2 पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है, तो कितना आ गया ये तुम्हारा 1/2 और ये -1/40 -1/80, ये आ रहा है। तो लेंस की फोकल लेता भाई, मिरर की निकाल लेते हैं, मिरर की तो सीधे सीधे क्या होती है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, तो कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, और नेगेटिव हो गया ना, क्लियर है क्या, R2/2 इसका आधा, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, तो 1/f इक्विवेलेंट कितना आ गया, -2/fl, और fl कितना है 80, और अच्छा -2/fl fl इज -80, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस 1/fm 1/-20, तो कितना आ गया 1/40 -1/20 -1/, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो गई, -40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या बना देंगे इसको हम, इसको हम एक मिरर से, स्फेरिकल मिरर से रिप्लेस कर सकते हैं इस पूरे सिस्टम को, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है -40। कैसा स्फेरिकल मिरर होगा, वो कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, कॉनकेव, क्योंकि नेगेटिव आई ना फोकस, समझ गए क्या। अब इसके बाद वो ऑब्जेक्ट को कहीं पे रख देंगे, पूछेंगे फाइनल इमेज बताओ, तो सीधा लगाना है 1/v + 1/u = 1/f equivalent।